हमारी पाठ्यपुस्तक मध्यकालीन हिंदी कविता में अगले जो तीन पद हैं वह तुलसीदास की एक महत्वपूर्ण रचना विनय पत्रिका से, ठीक है। पीछे हमने कवितावली की रचनाओं का पाठ किया, उस पर चर्चा की, और अब हम विनय पत्रिका से जो तीन पद अवतरित हैं मध्यकालीन हिंदी कविता हमारी जो पाठ्यपुस्तक है एक एक करके उस पर बात करेंगे, ठीक है। पहले तो यह जान लें कि विनय पत्रिका में है क्या। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी की एक तरह से दास्य भावना, दास्य भक्ति जो है वह अभिव्यक्त हुई है। उनका जो उच्च समर्पण है भगवान राम के प्रति, जो गहरी श्रद्धा है राम के प्रति, मूल रूप से उसका वर्णन विनय पत्रिका में देखने को मिलता है, ठीक है। यह जो पहला पद है, इस पहले पद में भी उन्होंने राम की कृपा का ही वर्णन किया है। राम की कृपा कितनी महिमामयी है उनके लिए, ठीक है, उसका वर्णन उन्होंने किया है। कहते हैं, अब लौन सानी अब नान सही हो, पहली पंक्ति में ही स्पष्ट किया कि अब लौ नसानी अब ना नसई हो, कि अब तक मेरा जीवन व्यर्थ होता रहा, मैंने जीवन को नष्ट किया, जीवन को गंवा दिया, लेकिन अब ना नसई हो, अब मैं अपने इस जीवन को व्यर्थ नहीं करूंगा, इस जीवन को नष्ट नहीं करूंगा। क्यों क्यों? क्योंकि उन्हें अब कुछ प्राप्त हो गया है, उन्हें कुछ मिल गया है। क्या मिला है? राम की कृपा, राम की भक्ति उन्हें प्राप्त हो गई है। तो क्या कहते हैं, राम की कृपा मिल जाने के बाद, राम की कृपा हो जाने के बाद उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है उसका वर्णन किया कि अब लौ नसानी अब ना नसई। राम की कृपा होने से पहले, उनकी भक्ति में डूबने से पहले मैंने अपने जीवन को व्यर्थ किया, नष्ट किया, अब मैं इस जीवन को नष्ट होने नहीं दूंगा। और आगे कहा, राम कृपा भव निशासिरानी जागे पुनीत सही हो, अब लौ नसानी अब नान सही हो। कहा कि राम कृपा भव निशासिरानी, कि राम की कृपा होते ही जो संसार रूपी माया रूपी भवसागर रूपी जो रात्रि थी वह रात्रि क्या हो गई है, अब बीत गई है। जागे पुनी दसई हूं, और अब मैं जाग गया हूं, मैं जाग गया हूं और मैं समझ गया हूं कि मैं किस तरह से विषय वासना रूपी रात्रि में सोया हुआ था, डूबा हुआ था, और अब मैं जो जागृत हुआ हूं तो राम की कृपा से अब मैं इन विषय वासनाओं सांसारिक उलझनों रूपी रात्रि में फंसने वाला नहीं हूं। अब विषय वासना सांसारिक मोह माया रूपी रात्रि मुझे डस नहीं पाए। स्पष्ट है बच्चों? फिर कहा, पायो नाम चारु चिंता मणि उर करते नख सही हो, अब लौ नसानी अब नान सही हो। पायो नाम, किसका नाम पाया है? राम का नाम पाया है। राम नाम रूपी चिंतामणि यानी कि रत्न प्राप्त कर लिया है, और यह रत्न मेरे लिए बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। उर करते ना खसई हो, उर कहते हैं हृदय को, हाथ कर कहते हैं हाथ को। कहा, अब इस राम नाम रूपी अनमोल रत्न को, अनमोल मणि को मैं अपने हृदय से अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा, इसे मैं जीवन भर धारण किए रखूंगा। स्पष्ट है बच्चे? आगे कहा, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चिंत कंचन ही कसई हो, अब लौ नसानी अब नान सही हो। और आगे कहा कि श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, भगवान राम का जो सांवला रूप है, आकर्षक सौंदर्य है भगवान राम का, उस आकर्षक सौंदर्य रूपी कसौटी पर मैं अपने चित्त मन को, कंचन सोना, अपने मन रूपी सोने को, चित्त रूपी सोने को भगवान राम के सौंदर्य रूपी कसौटी पे क्या करूंगा, कसने वाला हूं। यानी कि भगवान राम के सौंदर्य और उनकी भक्ति में ही अपने इस मन को क्या कर दूंगा, लीन कर दूंगा,
यह मन उसी राम के सौंदर्य की कसौटी पे कसता रहेगा। स्पष्ट है, आ गया समझ में? और कहा पर बस जानी हस्यो इन इंद्रिन निज बस है न हसई हो अब लौन सानी अब नान सही हो। अपनी इंद्रियों के बारे में कहा परवश जानी हस्यो इन इंद्रिन कि मेरी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में नहीं थी, यह मेरे वश में नहीं थी, यह दूसरे के वश में थी। और दूसरे के वश में कौन? सांसारिक आकर्षण, मोह, माया, उस तरफ सभी प्रकार के आकर्षणों में मेरी इंद्रियां क्या थी? लिप्त हो रही थी। और इंद्रियों के पीछे जिस तरह से मैं भाग रहा था, मैं इंद्रियों के वश में था। इंद्रियां मेरे ऊपर क्या करती थी? हंसती थी, क्योंकि यह व्यक्ति हमारे नियंत्रण में है। किसके नियंत्रण में है? और हमारे कौन? इंद्रियों के नियंत्रण में है। तो इंद्रियां हंसती थी, अब इन इंद्रियों पर मैंने नियंत्रण कर लिया है। निज बस है ना हसे हो, अब इन इंद्रियों पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है, नियंत्रण कर लिया है। अब इन इंद्रियों को मुझ पर हंसने का कोई मौका नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में? और यह कब कह रहे हैं? यह तब कह रहे हैं जब उन्हें यह महसूस होता है कि उनके ऊपर अब राम की कृपा हो गई। आई बात समझ में? ठीक है। और कहा मनु मधुकर पन कै तुलसी रघु पति पद कमल बसई हो अब लौन सानी अब नान सही हो। और अंत में कहा तुलसीदास जी ने कि मन मधुकर, मधुकर कहते हैं भौरे को, मेरा मन रूपी जो भौरा है, पन प्रतिज्ञा कर चुका है कि तुलसीदास कहते हैं कि मेरा मन रूपी जो भौरा है उसने प्रतिज्ञा कर ली है कि अब भगवान राम के चरण रूपी कमल में ही मैं निवास करूंगा, वहीं बसूंगा, वहीं मेरा डेरा है, वहीं मेरा घर है, वहीं मेरा बसेरा है, और भगवान राम के जो चरण कमल हैं वही मेरे लिए सर्वोत्तम स्थान है। तुलसीदास जी एक भौरे की तरह अपने मन को उस राम के चरण रूपी कमल में हमेशा हमेशा के लिए बसा देना चाहते हैं, भक्ति में लगा देना चाहते हैं। स्पष्ट है? तो आ गया समझ में? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन हिंदी कविता से अवतरित है। मूल रूप से यह तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका में संग्रहित है। स्पष्ट है बच्चे? प्रसंग में क्या लिखेंगे? इस पद में तुलसीदास जी ने भगवान राम की कृपा का वर्णन किया है कि कैसे भगवान राम की कृपा होने के बाद उनका जीवन बदल जाता है और वह प्रतिज्ञा करते हैं कि अब जीवन पर्यंत भगवान राम के चरण रूपी कमल में अपना निवास स्थान वो बना लेंगे या उनकी निरंतर भक्ति करते रहेंगे। ये फिर व्याख्या आई बात समझ में? अगला पद है केशव कही न जाई का कहे। इस पद में तुलसीदास जी ने ईश्वर की जो रचना है, यह सृष्टि, यह संसार जो भगवान ने बनाया है, भगवान भी तो एक चित्रकार है ना, इतनी खूबसूरत दुनिया उन्होंने बना दी बिना स्केच के, बिना पेंसिल के, बिना भित्ति के। तुलसीदास भगवान राम की यह जो रचना है, ईश्वर की यह जो रचना है, यह सृष्टि, उसके प्रति आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि कैसे इस विशाल सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने किया है। और उसी के बारे में बताते हैं कि यह जो निर्माण है परमात्मा का, सृष्टि का निर्माण, दुनिया का निर्माण, यह वर्णन से परे है। यह इतना अद्भुत निर्माण है, यह अद्भुत चित्रकारी है, कैसे यह चित्रकारी संभव की है परमात्मा ने, उसी पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं के सब कही न जाई का कहिए। हे केशव, हे ईश्वर, मैं क्या कहूं, मुझसे कुछ भी कहा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कहा, कारण बताया कि क्यों नहीं कहा जाता है। देखत तव रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रही केशव कही न जाई का कहिए। कहा हे परमात्मा, हे ईश्वर,
देखत तब रचना विचित्र अति। आपकी यह जो रचना है, यह सृष्टि की रचना है, यह विचित्र है, अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। इस विचित्र रचना को देखकर कुछ भी कहा नहीं जाता है, और यह इतनी सुंदर रचना है कि इस पे मुग्ध हुआ जा सकता है, इसके सौंदर्य में खोया जा सकता है, लुटा जा सकता है, लेकिन इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। समुझ ही मन ही मन रहिए, शब्द खो जाते हैं इस विचित्र रचना के बारे में बोलने के लिए, इसलिए मन ही मन मैं रह जाता हूं। इतनी अद्भुत रचना है इस दुनिया की जो रचना आपने की है, इसके बारे में मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा हूं। विवश है वो, इस सौंदर्य का वर्णन कर पाने के आगे विवश हैं, इस विचित्रता का वर्णन कर पाने में वो विवश हैं, और कह रहे हैं केशव कही न जाई का कही। हे केशव, क्या कहूं, कुछ भी कहा नहीं जाए। स्पष्ट है, आगे बढ़े। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिना लिखे अचिते रे, केशव कही न जाई का कही। कहा कि यह जो चित्र है, संसार रूपी जो चित्र आपने निर्मित किया है, जो बनाया है, यह किस पे है? शून्य भीति पर। इसका आधार क्या है? शून्य है, यानी कि शून्य से आपने इस सृष्टि को निर्मित कर दिया है। यह विचित्रता, यह चित्रकारी आप ही कर सकते हैं कि शून्य की भीति पर, शून्य के आधार पर इस विशाल सृष्टि का आपने निर्माण किया। रंग नहीं, तनुबिन लिखा चितेरे, और ऐसा भी नहीं कि आपने रंग लगाया हो, पेंटिंग की हो, बिना रंग के इस चित्र को आपने खड़ा कर दिया है। और बिना रंग के चित्र खड़ा करने का मतलब जिसमें सारे रंग हो, आई बात समझ में? किसी एक रंग का बखान कर पाना संभव नहीं है। याद करिए निर्गुण, निर्गुण भक्ति को याद करिए, निर्गुण के उस दर्शन को याद करिए, यानी कि जिसका कोई निश्चित रूप और आकार नहीं है, क्योंकि वह हर आकार में शामिल है ना, हर कणकण में वह शामिल है। यहां कह रहे हैं कोई रंग नहीं, कोई एक रंग नहीं, क्योंकि सारे रंग इस सृष्टि में समाहित है, ये कहना चाहा। तनुबिन लिखा चितेरे, और कितनी सहजता से आपने इस संसार रूपी चित्र का निर्माण कर दिया है। कोई स्केच नहीं, कोई ब्रश नहीं, कोई लिखावट नहीं, कोई पेंसिल नहीं, कोई रेखा नहीं, और आपने ये अद्भुत चित्रकारी की है। आप लोग एक गीत याद करें, एक गीत भी है, ये कौन चित्रकार है, सुना है कि नहीं सुना है? ये कौन चित्रकार है, किसने इस दुनिया को बना दिया, कितने इतनी अद्भुत चित्रकारी कर दी। वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, आगे कहा धोए, गाइए, धोए मिटे न मरई भीति, दुख पाई ही तनु हे रे, केशव कही न जाई का कही। अद्भुत चित्रकला है, धोने से इसे मिटाया नहीं जा सकता, स्पष्ट है ना, देख रहे हैं ना, धोए मिटे न मरई भीति, होने से इस चित्र को मिटाया नहीं जा सकता है। और यह भित्ति शून्य आधार पर जो यह सृष्टि बनी है, यह आधार अद्भुत है, यह इस आधार को भी मिटाया नहीं जा सकता है। लेकिन दुख व्यक्त किया और कहा दुख पाइय इही तनु हेरे, यह चित्रकला तो बहुत सुंदर है, लेकिन इस चित्रकला, यह जो संसार रूपी जो चित्रकारी है, इस चित्रकला को देख करके दुख भी होता है तुलसीदास को। और वो कहते हैं कि संसार में दुख है, शोक है, पीड़ा है, इस चित्रकला के भीतर रहने वाले लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो इस चित्रकला को देख करके वो दुखी भी होते हैं कि इस संसार में रहने वाले जो लोग हैं वो दुखी हैं, व्याकुल हैं, पीड़ित हैं, अलग अलग तरह के शोक हैं, अलग अलग तरह के लोगों की क्या है, चिंताएं। एक तरफ आश्चर्य भी व्यक्त कर रहे हैं और अब उस चित्रकला की वास्तविकता के ऊपर उतर रहे हैं। अब तक तो वो बता रहे थे कितना अद्भुत यह संसार है, कितनी अद्भुत यह चित्रकारी है, लेकिन अब उस चित्रकारी में क्या है उसका वर्णन किया कि उस चित्रकारी यानी कि संसार में क्या है, दुख है, पीड़ा है, शोक है, चिंता है, जिस संसार के हम सब क्या है, हम क्या है उस संसार के हिस्सा है, अंग है, हमारे जीवन में दुख है कि नहीं है, पीड़ा है कि नहीं है। तो कहा
कि इस चित्र को देखकर यानी कि संसार को देखकर के उन्हें दुख होता है। आ गया समझ में? यस सर। हाँ या ना? यस सर। आनंद की प्राप्ति हो रही कि नहीं आपको? यस सर। हो रही है। आगे बढ़े? यस सर। अब देखिए यहाँ ध्यान से सुनना अगली दो पंक्तियों को, नहीं तो भटक जाओगे। और कहा आगे बढ़ो। रवि कर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप तेहि माही, के सब कही न जाय का कहिए। सूर्य की किरणों से निकलने वाले जल का वर्णन किया। जाहिर सी बात है सूर्य की किरणों में जल नहीं होता है, लेकिन रेगिस्तान में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा दिखता है कि कहीं जल है, ठीक है, दिखता है ना। और उसी के चक्कर में हिरण दौड़ के वहां पहुंचता है, वहां जल होता नहीं, फिर कहीं दूर रेत चमकते हुए दिखाई देते और उसको लगता है कि वहां जल है, और फिर वह वहां पर क्या होता है, भाग करके जाता है। तो रेगिस्तान में सूर्य की चमकने वाली जो किरणें हैं वह जल का भ्रम पैदा करती है ना। कवि ने कहा कि यह संसार भी मनुष्यों के लिए क्या है, एक भ्रम की तरह है, एक माया की तरह है, जो दिखता तो है लेकिन वास्तव में वैसा है नहीं। और कहा बसे अति दारुण मकर रूप ते ही माही, कि इस संसार में दुख है और इस भ्रम रूपी संसार में एक मगरमच्छ रहता है। कैसा मगरमच्छ रहता है? जैसे पानी में मगरमच्छ रहता है ना, तो पानी का मगरमच्छ तो दिखाई देता है, लेकिन इस संसार यानी कि भ्रम रूपी संसार में रहने वाला जो मगरमच्छ है वह दिखाई नहीं देता है। तात्पर्य क्या है कवि का? कवि मृत्यु की तरफ संकेत कर रहे हैं कि मृत्यु रूपी मगरमच्छ इस संसार रूपी भ्रमपूर्ण जल में दिखाई नहीं देता है। और क्या कहा, बदनहीन सो ग्रसे चराचर, पान करन जे जाही, के सब कही न जाई का कहिए। बदनहीन है, मृत्यु किसी को दिखाई नहीं। आई बात समझ में? उसका कोई रूप नहीं है लेकिन वह ग्रस रहा है, सबको अपने गाल में समा रहा है, यानी कि सबको अपनी तरफ खींच रहा है। और जो कोई भी इस संसार रूपी मृग मरीचिका, इस संसार रूपी भ्रमजाल में है, उसे एक न एक दिन यह न दिखाई देने वाला मृत्यु रूपी जो मगरमच्छ है वह क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। आगे बात समझ में स्पष्ट है इन पंक्तियों का अर्थ? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ूं? और अंत में कहा को कह सत्य झूठ कह को, जुगल प्रबल को माने, ये सब कही न जाएगा कहिए। यह जो संसार है जिसकी रचना परमात्मा ने की है, जिसकी विचित्रता का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने कि जो अद्भुत है विचित्र है, लेकिन उसकी प्रकृति का भी वर्णन किया कि वह किस तरह से भ्रम से भरा हुआ है, मृत्यु रूपी मगरमच्छ उसमें समाया हुआ है, वह धीरे धीरे सबको क्या कर रहा है, अपने ग्रास में समेटता चला जा रहा है। उसके बारे में कहा कि को कह सत्य, कोई कहता है कि यह संसार सत्य है, कोई कहे झूठ, कोई कहता है कि यह संसार भ्रम है झूठ है, जुगल प्रबल को माने, कोई कहता है कि सत्य और झूठ दोनों इसमें इस संसार में क्या है, शामिल है, दोनों का रूप इसमें है। लेकिन तुलसीदास कहते हैं तुलसीदास परिहरे तीनी भ्रम, सो आपन पहिचाने, ये सब कही न जाएगा कहिए। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं इन तीनों प्रकार के भ्रमों को, तीनों प्रकार की बातों को नकारता हूं और मैं यह कहता हूं कि जो अपने आप को पहचान लेता है, जो अपने भीतर उतर जाता है, जो अपने सत्य को जान लेता है, अपने भीतर की दुनिया में जो गहराई से प्रवेश कर जाता है, ठीक है, वह इस संसार के रहस्य को जान लेता है, वह परमात्मा को पा लेता है, क्योंकि परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो अपने भीतर भी है। यहां आप देखें
कि सगुण निर्गुण का रूप दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। है तो ये सगुण का भी ठीक है, लेकिन बात निर्गुणों जैसी कर रहे हैं कि अपने भीतर ही परमात्मा को हमें पाना होता है, तो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि तीनों भ्रमों को छोड़कर जो अपने आप के भीतर उतर जाता है वह संसार के रहस्य को भी जान लेता है और परमात्मा की प्राप्ति भी कर लेता है। ठीक है बच्चे, स्पष्ट है, आगे समझ में। पाठ्यक्रम में शामिल विनय पत्रिका का अंतिम पद ऐसो को उदार जग माही, इस पद में तुलसीदास जी ने भगवान राम की दयालुता का वर्णन किया है, उनकी करुणा का वर्णन किया है, उनकी उदारता का वर्णन किया है कि कैसे कितने महान है भगवान राम, कितने दयालु हैं वह, कैसे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, कैसे अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, कुछ उदाहरण देकर इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया है। और कहते हैं ऐसो को उदार जग माही, पहली ही पंक्ति में स्पष्ट है कि ऐसा कौन है, इस पूरी दुनिया में भगवान राम की तरह कोई इतना उदार नहीं है, इस जग में भगवान राम जैसा उदार कोई नहीं है, दयालु कोई नहीं है, कृपा निधि कोई नहीं है। और उसका वर्णन किया कैसे, बिनु सेवा जो गवे दीन पर राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। कहा कि बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, दीन कहते हैं दुखियों को, पीड़ित को, गरीबों को, कि बिना किसी सेवा के जो दीन दुखियों पर कृपा कर देते हैं, दया दिखा देते हैं, भगवान राम के समान ऐसा कोई नहीं। स्पष्ट है ना, उनकी जो दयालुता है, उनकी जो कृपा है दीन दुखियों के ऊपर, बदले में उनसे वह कोई सेवा नहीं चाहते हैं, यह पर्याप्त है कि वह किसी दीन दुखी को देखते हैं और उसके ऊपर उनकी कृपा हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी, ऐसो को उदार जग माही। कहा कि योग करके, तपस्या करके जो मुनि ज्ञानी जो गति प्राप्त नहीं कर सके, जिस चीज को वो उपलब्ध नहीं हो सके, जो प्राप्त नहीं हो सका, जो मुक्ति उन्हें नहीं मिल सकी योग ज्ञान और तपस्या से, वह मुक्ति उन्होंने पल भर में किसे दे दी। सो गति देत गीध सबरी कहा प्रभु न बहुत जिय जानी, कि जो गति जो मुक्ति ज्ञानियों और तपस्वियों को प्राप्त नहीं हो सकी, तपस्या करने के बावजूद भी वह गति उन्होंने जटायु जैसे गिद्ध को दे दी, वह गति उन्होंने सबरी को दे दी, क्योंकि आप सब जानते हैं सबरी का प्रेम भगवान राम के प्रति, ठीक है, कैसे उनके प्रेम में वह विह्वल हो गई है कि राम आए हैं खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, बेर हैं, तो क्या मेरे राम को खट्टे बेर न मिले, इसलिए पहले खुद बेर चखती है और वह जूठे बेर भगवान राम को खाने के लिए देती है, और वाह रे प्रभु राम, आप उसे इतने आनंद के साथ, इतनी स्वीकृति और सम्मान के साथ खा रहे हैं, यह उनकी लीला है। तो कहा कि जो मुक्ति तपस्वियों को नहीं मिली, ज्ञानियों को नहीं मिली, आपने वैसी मुक्ति जटायु को दे दिया, वैसी मुक्ति आपने सबरी को दे दी। आई बात समझ में। और कहा जो संपत्ति दस शीस अरप करी रावण शिव पहली, सो संपदा विभीषण कहति सकुच सहित दरिदीनी, ऐसो को उदार जग माही। एक और उदाहरण दिया और कहा कि जो संपत्ति दस शीस अरप करी रावण शिव पहा लेनी, कि जिस लंका की समृद्धशाली विरासत को खड़ा करने के लिए रावण ने अपने दसों शीस अर्पित कर दिए थे भगवान शिव के समक्ष, भगवान शिव के समक्ष अपने दसों शीस अर्पित करके
और रावण ने ये जो साम्राज्य खड़ा किया था लंका में, सोने की लंका जो बनाई थी, आपने एक पल भी नहीं लगाया, उस संपदा को आपने किसे दे दिया? विभीषण को दे दिया। और कैसे दिया? संकोच करते हुए दिया। क्या संकोच था? कि आपने जो हमारा साथ दिया है, जो साथ निभाया है, उसके आगे जो मैं दे रहा हूं वह कुछ भी नहीं है। और वह भी एक संकोच का भाव, यानी कि बड़प्पन। बड़े लोग जब कुछ देते हैं तो उस देने में भी एक संकोच होता है, वो लगता है कि जो मैं दे रहा हूं क्या मैं उस व्यक्ति के अनुकूल दे पा रहा हूं कि नहीं दे पा रहा हूं। यह होती है बड़प्पन, यह होता है बड़ा हृदय। देने का अहंकार नहीं है भगवान राम को, यह महत्वपूर्ण बात है। देने के प्रति कृतज्ञ है, देने के प्रति वो विनम्र है। वह दे करके भी कृतज्ञ हो रहे हैं, दे करके भी वह संकोच कर रहे हैं, देते हुए भी संकोच कर रहे हैं। दान का अभिमान नहीं है। लोग दानी हो जाते हैं लेकिन दान का अहंकार दिखाते हैं, अरे मैंने तो ये दान कर दिया। दान वहां महत्वपूर्ण नहीं है, वहां महत्वपूर्ण उनके अहंकार का पोषण हो जाता है। वह दान माध्यम है, अहंकार को ऊंचा दिखाना यथेष्ट हो जाता है। लेकिन यहां देखिए भगवान की विनम्रता कि दान क्या, पूरा पूरी लंका दे दी और अभी भी विनम्र बने हुए हैं कि मैं जो दे रहा हूं वह पता नहीं आपके योग्य है भी कि ठीक है। आगे कहा, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरा, तो भज राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो, ऐसो को उदार जग माही। और अंत में कहा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर सब तरह से सब भांति से अगर मन सुख चाहता है, सुख चाहते हैं जीवन में, शांति चाहते हैं सब प्रकार से, तो एक ही रास्ता है, भजो राम काम सब पूरान करें कृपा निधि तेरो, कि राम का नाम लें, प्रेम से राम का नाम लें। वो कृपा निधि है, कृपा के सागर है, वो उनकी कृपा से सारे काम पूरे हो जाते हैं, सारा दुख दूर हो जाता है। सच्चे मन से भगवान राम का नाम लें तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, राम की कृपा हो जाती है।